देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है इफ एन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एन रूट है एंड एम इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक एम है। कह रहा है वेयर एम नॉट इक्वल टू एन, एम और एन बराबर नहीं है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस एम प्लस एन। देखो इसमें क्या करेंगे, ये इसके रूट्स हैं तो इसको यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस पी एन प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा सिमिलरली एम इसके रूट है तो इसको लिख लेते हैं एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड हो गया। अब आप क्या कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस पी टाइम्स एन माइनस एम प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां से हमें दिख रहा है कि एन माइनस एम फैक्टर आउट कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, तो एन प्लस एम टाइम्स एन माइनस एम, तो अगर हम यहाँ से एन माइनस एम फैक्टर आउट कर लें तो यहाँ क्या बच जाएगा एन प्लस एम प्लस पी ये माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस वन क्यों, क्योंकि एन माइनस एम हमने फैक्टर आउट किया है। ठीक है, अब क्या करो, ये n नॉट इक्वल टू m कंडीशन दे रखा है, n नॉट इक्वल टू m कंडीशन गिवन है, इसका मतलब n माइनस m नॉट इक्वल टू जीरो, n माइनस m जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब इसको होना होगा, इसका मतलब n प्लस m प्लस p माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो n प्लस m प्लस p इज इक्वल टू वन, यही हमारा आंसर हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर c होगा। तो इस कदर आपको सॉल्व करना था, बहुत आसान था। ठीक है,